ओके क्लास सेवन, तो आज हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है, आप लोगों को ऑलरेडी से बताया कि एक्सप्रेशन जो चैप्टर सिक्स में करवाए थे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन तो क्या होता है, इक्वेशन, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैविंग टू एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन। ठीक है, ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे जो है इस तरह का एक इक्वेशन होता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको जब हम लोग इक्वल साइन बीच में अगर आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी दो एक्सप्रेशन को अगर हम लोग बोलेंगे बराबर है, इक्वल है, इक्वल का साइन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई या फिर कोई भी एक एक्सप्रेशन को किसी से बराबर करेंगे, किसी से इक्वेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे देख लिए, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, बीच में इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन रहेगा, कहीं भी रहेगा, बीच में रहे, इधर इधर आगे पीछे, लेकिन इक्वल टू के दोनों साइड में कुछ ना कुछ नंबर्स रहना चाहिए और वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, या सिर्फ एक साइड में ही वेरिएबल होगा तो चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन में इस साइड को बोलते हैं एलएचएस और इस साइड को बोलते हैं आरएचएस। ठीक है, तो ये आरएचएस हो गया और ये वाला साइड में एलएचएस हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब इक्वेशन चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है, यानी एक्स वाई जेड। तो वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल मतलब इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल, मतलब सिर्फ एक्स रहेगा या सिर्फ वाई रहेगा या सिर्फ जेड रहेगा या सिर्फ ए बी, कुछ भी रहेगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, यानी सिर्फ एक्स और वाई दोनों अगर आ गए तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होता, वो टू वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है, तो वन वेरिएबल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल। देखिए, इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, एक्स है, इसमें सिर्फ वाई है। ठीक है, इसमें सिर्फ वाई है, तो ये सब क्या है, वन वेरिएबल वाला हो गया। और लीनियर इक्वेशन मतलब हो जाएगा, तो आप लोग चैप्टर सिक्स में पढ़ाए थे कि हर एक्सप्रेशन का क्या होता है, पावर होता है, तो उसका पॉलिनोमियल जो होता है वो उसका जो पावर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब होता है वन, तो वन होता है, तो लीनियर इक्वेशन इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर सिक्स में आप लोगों को हम बताए थे, ये देखिए चैप्टर सिक्स में आप लोगों को पढ़ाई थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी एक एक्सप्रेशन का जितना जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर ये लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में क्या जाएगा, हम लोग वो जो इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन का जो पावर होगा वो मैक्सिमम वन होगा, लीनियर होगा, मतलब वन होगा। ठीक है, वन होगा। देखिए, आप कोई भी देखिए, यहाँ पे कितना है पावर, वन है, इसमें भी वन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर टू है, तो टू नहीं चलेगा, सिर्फ वन चाहिए, तो मतलब ये क्या जाएगी, लीनियर इक्वेशन ये नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल वाई इज टू, तो टू नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए। ठीक है, वो जो उस एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो वन होना चाहिए, यानी इक्वेशन का डिग्री वन होना चाहिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब हम लोग को ये आप लोग ऑलरेडी से बता चुके हैं, क्लास सिक्स में भी किए होंगे कि इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई भी जब हम लोग नंबर को जब एलएचएस से आरएचएस में करेंगे या आरएचएस से एलएचएस में करेंगे तो क्या होगा, जब अगर प्लस होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन में चेंज होगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, ये वाला बॉक्स जरूर से जरूर रीड कीजिएगा। ठीक है, यही चार जो रूल है वो अप्लाई होता है। ठीक है, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग चेंज करेंगे कोई नंबर को एलएचएस से आरएचएस में या आरएचएस से एलएचएस में। ठीक है, तो इस चैप्टर से आप लोगों को एक्सरसाइज से ये सारा सम्स करना है, ओके, 12 सम्स है जो मार्क कर दिए हैं हम। ठीक है, ए एफ जे के एन क्यू ओ आर नेक्स्ट। ठीक है, ये सारा सम्स कीजिएगा लोग। ठीक है, टी यू एक्स वाई, ये चार सम। ठीक है, ये हम ज्यादा, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी से बहुत कुछ चैप्टर बचा हुआ है तो वो भी करवाना है इसीलिए, और ये सब जो सम्स किए हैं आप लोगों को वन बाय वन अब आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो चार जो फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं, रूल, वो रूल याद रखिएगा, फॉर्मूला नहीं। तो इसमें सबसे पहले वन वाला करके दिखा दे, देखिए एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या ऑलरेडी से आप लोग क्लास सिक्स में भी किए हुए, फिर भी रिवीजन के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स एक साइड रखेंगे और जितना भी कॉन्स्टेंट यानी जो नंबर है वो एक साइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक्स वाला यहाँ पर रखेंगे, एक्स वाला, और बाकी सारा नंबर उधर कर देंगे या आरएचएस में कर देंगे, और वेरिएबल जो भी है सारा एलएचएस में कर देंगे। तो इस साइड में तो कुछ नहीं, तो ठीक है यहाँ पर रखेंगे, तो 3x को वैसे ही रखेंगे 3x, यहाँ माइनस सेवन है तो हम लोग उसको कांस्टेंट को उस साइड कर देंगे, तो क्या होगा, इक्वल टू लिखेंगे, 17 लिखेंगे। अब ये माइनस सेवन है तो हम लोग बताए थे कि चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस सेवन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इम्प्लाई का साइन देंगे। ठीक है, ये 3x वैसे ही रहेगा, अब 17 प्लस सेवन कितना हो जाएगा, 24।
ठीक है। अभी हम लोगों को सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, x यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो अब क्या करेंगे, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो सेम देखिए उसी तरह से सम्स f भी है, देखिए यहाँ पे सारा वेरिएबल्स एक जगह कीजिएगा और जो नंबर्स है वो एक जगह होगा, ठीक है। तो इस तरह से सेम ये भी होगा, ठीक है। आप लोगों को एक और सम्स करके दिखा दे रहे हैं हम नंबर के। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबको हम लोग पहले वेरिएबल एक जगह, तो देखिए ये तो यहाँ पे है, अब ये डिवाइड में तो ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे 5 और 6 का, तो कितना जाएगा, 5 और 6 का एलसीएम लीजिएगा आप लोग साइड में, तो 30 आएगा, ठीक है। तो इसको ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12, 12x, ठीक है, और ये 5 × 5 = 25x, ये जाएगा 7/10, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ये इसको हम लोग अगर इधर कर देंगे तो क्या जगह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 12x + 25 वहीं रहेगा, ठीक है। अब हम बताए थे कि जब डिवाइड होगा, जब हम लोग उसको नेक्स्ट हैंड साइड में करेंगे तो क्या जगह वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये LHS RHS में करेंगे तो 7/10 × 30, ठीक है। अब इसको देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, 10 × 1 = 10, 10 × 3 = 30 हो जाएगा। तो ये 12x + 25 वैसे ही रहा, ये 7 × 3 = 21 हो गया। अब देखिए ये सिंपल जो सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही आ गया, तो ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 12x वेरिएबल एक जगह, नंबर बाकी दूसरा जगह, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 21 और ये प्लस में है तो ये इधर जाएगा -25, ठीक है। ये जाएगा 12x 21 - 25 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। साइन का आप लोगों को पता है, साइन ये बड़ा है तो साइन इसका आएगा, ठीक है। तो -4 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट किए हम लोग तो ये, अब एक्स वैसे ही रहेगा, 12 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -4 डिवाइड, तो अब काटेंगे इसको, रिड्यूस करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो कितना हो जाएगा, -1/3 एक्स का वैल्यू, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू -1/3, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो उसी तरीके से आप लोगों को सारा सम्स करना है, इजिली आप लोगों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और मतलब चेंज करना है, मल्टीप्लीकेशन टू डिवीजन, डिवीजन टू मल्टीप्लीकेशन, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होगा, वेरिएबल्स एक जगह और नंबर्स एक जगह, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सम्स कीजिएगा, आपको जो मार्क किया हुआ है आप लोगों को एक और सम्स करके हम दिखा दे रहे हैं नंबर टी, ओके। तो नंबर टी देखिए यहाँ पे ये है, अब क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, देखिए ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो डिवाइड में है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा, 3m + 5, तो पूरा से मल्टीप्लाई जाएगा ये, और ये m - 2 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई जाएगा ये दोनों। तो आप 7 × 3 = 21m + 7 × 5 = 35, अब -5m - 2 ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5m और -±+5 × 2 = 10, ये बाकी वैसे ही रहेगा इधर जैसा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स एक जगह, अब 21m यहाँ रखेंगे, ये -5 है, ये m को इधर लेके आएंगे तो -5 इधर आ जाएगा, तो क्या जाएगा, +5, ठीक है। अब जो नंबर इधर चला जाएगा, 10 है यहाँ पे ऑलरेडी से, 10 + 10 वैसे ही रखेंगे, ये +5 + 35 है, तो इसको चेंज करें तो क्या जाएगा, -35 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये साइड्स का चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट 21 + 5 कितना जाएगा, 26m, और ये कितना हो जाएगा, -25, दिस इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स टू -25/26, अब ये रिड्यूस नहीं होगा तो आंसर यही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इसी तरीके से बाकी सारा भी सम्स करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप सम्स ट्राई कीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा फिर हमसे पूछिएगा, ओके।